छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सिंघोला में साहू समाज द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव एवं सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले वासियों सहित साहू समाज को कई सौगात देते हुए विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। वहीं ईडी की कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी भाजपा के एजेंट की तरह काम मत करें। उन्होंने आबकारी विभाग में 200 करोड़ के घोटाले के आरोप को लेकर कहा कि जब 3 साल से मामले की जांच हो रही है तो चल अचल संपत्ति कुछ तो पकड़े होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि घोटाले का पैसा किस नेता किस अधिकारी के पास है यह बता दे, इतने नेताओं की यहां छापा मारा गया है कुछ भी नहीं मिला। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सन्नी वर्मा की रिपोर्ट। महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला, आज उनकी जयंती 9 मई को मनाया जाता है और व्यापक पैमाने पे अभी साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर यह आयोजन हुआ और आज बहुत सारे लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। हितग्राहियों को भी हम लोगों ने राशि वितरण किया, सामग्री वितरण किया, साथ ही विभिन्न समाज के जो लोगों को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जो राशि दिए थे वो राशि भी आज उनको दिया है। आपकारी को लेकर 2000 का घोटाला क्या कहेंगे आप? लगा देना था भाई, यदि 3 साल से आप जांच कर रहे हो, नगर पंचायत छोड़े 3 साल से जब जांच हो रहा है तो चल अचल संपत्ति कुछ तो पकड़े होंगे, कुछ बता नहीं रहे। किस अधिकारी के पास, किस नेता के पास, किस व्यापारी के पास कितनी कितनी राशि वो तो बताएं। नेताओं के यहाँ इतनी सी नेताओं के यहाँ छापा मारा गया, कितनी राशि आपने जब्त किया? कुछ नहीं है, केवल ये राजनीति चलते भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम तो मत करें। शराब के बारे में कहते हैं, रमन सिंह के समय में 3,900 करोड़ था अधिकतम राजस्व, अभी 4 साल में वो 6,000 करोड़ हो गया, तो 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया ना, तो फिर राजस्व में कमी कहाँ आई? जो आरोप लगाया है, जो चालान प्रस्तुत किया है कोर्ट में ईडी ने, वो यही कहा कि राजस्व की हानि हुई है। तो भाई 3900 से बढ़ के 6,000 करोड़ होना तो राजस्व कमी ही का अधिकता है, तो ये केवल राजनीति से प्रेरित है। ठीक है दाऊजी, कर्नाटक चुनाव में कल मतदान है, 40% का करप्शन भाजपा कांग्रेस लगा रही है और 85% का मोदी जी, तो कल किसमें मतदान पड़ रहा है और आपको क्या लगता है? देखिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सत्ता रही है, उसकी अपनी उपलब्धियों के आधार पर मांगना चाहिए। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मैं वोट मांगने आऊँगा तो मैं किसानों से कहूँगा कि मैंने आपको रेट दिया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला किया, आदिवासी क्षेत्रों में लघु अनुपज के समर्थन मूल्य घोषित किया और खरीदने की व्यवस्था की, बेरोजगारों को कहूँगा बेरोजगारी भत्ता हमने शुरू की, तो सारी योजनाएँ हैं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, स्वास्थ्य की योजनाएँ सब हमने शुरू किया है, हम उस आधार पर वोट मांगेंगे। कर्नाटक में तो अपने रोना रो रहे, मुझे कांग्रेस ने 91 बार गाली दी, वो गिनते रहे, लेकिन काला धन कितना जमा हुआ आज तक नहीं बता पाए। लॉकडाउन में कितने लोग मजदूर और जो घर छोड़ के बाहर गए थे वापस लौटते लौटते कितने लोगों की मौतें हुई आज तक नहीं बता पाए, इसके पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो ये अपने बारे में तो उनको याद है, लेकिन यहाँ लोगों का आंसू की कोई हिसाब किताब उनके पास नहीं।